गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। बच्चों, बहुत दिनों बाद अब ये वीडियो पोस्ट हो रही है। ये आज की हम डिस्कस करेंगे आपकी आज की वर्कशीट नंबर 12 क्लासेस 7, जिसमें हम आपका चैप्टर नंबर 2 प्राणियों में पोषण डिस्कस करेंगे। और बच्चों, आज उसका लास्ट पोषण डिस्कस करेंगे घास खाने वाले जंतुओं में पाचन की प्रक्रिया। बच्चों, जो कोमल है वो 7वीं की एक विद्यार्थी है। एक दिन उसने नज़दीक के पशुशाला में शैक्षिक भ्रमण मतलब एजुकेशनल ट्रिप पर गई और वहीं उसने देखा कि गाय तथा भैंस आराम करते हुए भी अपना मुंह चलाती रहती है, जिसको हम जुगाली कहते हैं। तो बच्चों, जानते हैं वो ऐसा क्यों करती है? तो बच्चों, जो घास खाने वाले जंतु होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं रूमिनेंट्स। ये क्या होता है? भोजन को जल्दी क्या करते हैं, पहले एक बार में भोजन को निगल लेंगे। निगलने के बाद वो अपना भोजन, जैसे कि ये आपकी गाय है, गाय ने यहाँ से आपका भोजन लिया, घास खाई, घास को क्या क्या निगलने के बाद वो अमेशे में लेगी। अमेशे में क्या होगा? अमेशे के अलग अलग भाग में वो क्या करती है, उसको इकट्ठा कर लेती है। और इस भाग में सबसे पहले कौन सा होता है बच्चों? रूमन। क्या होता है रूमन? ये जो ग्रीन कलर का है, रूमन में भोजन का आशंक पाचन होता है, जिससे जो गाल कहते हैं या फिर कट कहते हैं। परंतु बाद में जंतु उसको छोटा पिंडिकों के रूप में मिल जाते हैं, जिसे वह चबाता रहता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे गया और उसके बाद वो वहाँ पे डाइजेस्ट होना शुरू हो गया, और फिर वहाँ से जो रूमेन में उसके बाद जुगाल बना, जुगाल वो दोबारा मुंह में आ जाता है, फिर वहाँ से वो जुगाली करती रहती है और उस भोजन को पचाती रहती है। और इस प्रक्रिया को जुगाली कहना करना कहते हैं। और इसी तरह बच्चों, जो इस तरह के जो जंतु होते हैं इनको हम रूमिनेंट्स के नाम से जानते हैं या फिर रोम नथी। ठीक है, घास में बच्चों एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम क्या है? सेल्यूलोज है। और बच्चों, आज हम इसी वीडियो में, आप प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपकी आज की जो दूसरी इंग्लिश की वर्कशीट आई है वो भी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो पहले हम साइंस की हिंदी मीडियम की वर्कशीट डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम आपकी जो इंग्लिश की वर्कशीट आई है वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा ताकि आपकी 10 मिनट के अंदर ही दोनों वर्कशीट सॉल्व हो जाएं। देखिए, घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का क्या है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट है। रूमिनेंट्स में भोजन के सेलुलोज का पाचन, मतलब जो सेलुलोज है वो कहाँ पे? शुद्रांत्र तथा बृहयांत्र में एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर संरचना होते हैं, जहाँ पे जीवाणु पाए जाते हैं, उसके द्वारा इस सेलुलोज का पाचन होता है। ये जीवाणु बच्चों मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। मींस हमारे पास जो हमारी आहार नाल है, हमारी फूड पाइप है, हमारे पास बच्चों सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी को सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते। आपने देखा होगा जितने भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनको हम पका के खाते हैं। ठीक है, हम उनको कच्चा नहीं खाते, वो पचते नहीं है। ठीक है, हमारी बॉडी में सेलुलोज नहीं होता, इसलिए मनुष्य सेलुलोज को पचा नहीं सकता। ठीक है, चलिए इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला है, रूमन किसे कहते हैं? तो बच्चों, जो रूमन है मतलब उसको क्या होता है, जो रूमन है बच्चों ये क्या है? अमेशय का प्रथम मतलब अमेशय का प्रथम भाग होता है, जिसको हम रूमन कहते हैं। ठीक है, दूसरा है, रूमिनेंट्स के 3 उदाहरण। तो बच्चों, जो भी घास खाने वाले जानवर है उसके आप उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे कि घास खाने वाले में गाय, बैल, घोड़ा, ये सभी आप लिख सकते हैं रूमिनेंट्स में। तीसरा है, मनुष्य सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बच्चों, ये जो जीवाणु होते हैं जो सेलुलोज को पचाने में मदद करते हैं, वो जीवाणु मनुष्य में नहीं पाए जाते, तो इसी वजह से जो मनुष्य है वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता। चौथा प्रश्न है बच्चों, घास में डैश की प्रचुरता होती है, घास में क्या पाया जाता है बच्चों? घास में सेलुलोज पाया जाता है, जो एक प्रकार का क्या है बच्चों? ये एक प्रकार का क्या है बच्चों? एक कार्बोहाइड्रेट है।
जुगाली जंतु जो जुगाली करते हैं उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, रूमिनेंट्स कहते हैं। तो आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फिल द ब्लैंक्स का आंसर ये है। तो चलो इसके बच्चों, इसी के साथ आपकी साइंस की वर्कशीट ख़त्म होती है, इंग्लिश की देख लेते हैं। बच्चों इंग्लिश की वर्कशीट में आपको फॉर्मल जो लेटर्स हैं, फॉर्मल लेटर्स जो है उसका बताया गया कि फॉर्मल लेटर लिखने का क्या तरीका है। जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं बच्चों, ये ऑफिशियल पर्पज़ के लिए लिखे जाते हैं, और ये जो लेटर होते हैं किसी एडिटर को, प्रिंसिपल, टीचर या फिर किसी हायर अथॉरिटीज़ को लिखे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको प्रिंसिपल को, आपको स्कूल से छुट्टी चाहिए तो आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, तो आप किस फॉर्मेट में लिखेंगे? टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस, फिर उसके बाद डेट, ठीक है। जैसे कि आज कौन सी है, 26। फिर उसका सब्जेक्ट कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, आपका पर्पस क्या है ये लेटर को लिखने का। उसके बाद है सैल्यूटेशन, मींस मेन आपका सर मैडम, जो भी रिस्पेक्टेड सर मैडम लगा सकते हैं। उसके बाद है बॉडी ऑफ द लेटर, मींस जो मेन कंटेंट है, इसमें इंट्रोडक्शन, कंटेंट और फिर उसका कंक्लूजन लिखेंगे। उसके बाद थैंक यू करके कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, मींस योर्स ऑबिडेंटली, आप अपना नाम और क्लास और सेक्शन लिख के लेटर कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों ये हमारा है फॉर्मल लेटर का आउटलेट कि जो फॉर्मल लेटर है तो उसको हम कैसे लिखते हैं। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको यहाँ पे एक लेटर दिया गया है बच्चों जिसमें आधे से ज़्यादा लेटर लिखा हुआ है, और कुछ ब्लैंक्स दिए रखे हैं यहाँ पे, आपको वो ब्लैंक्स फिल करने इसकी हेल्प से, बहुत इजी है। चलिए देखते हैं, टू द प्रिंसिपल, फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों, आपका स्कूल का नाम, फिर यहाँ पे अपना स्कूल का एड्रेस, फिर आज की डेट जैसे कि 26 अगस्त, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है कि आपने किस वजह से लिया। बच्चों अगर आप ये पढ़ेंगे तो यहाँ से समझ आ रहा है कि आपकी बहन की शादी है जिसकी वजह से आप छुट्टी लेना चाहते हैं, तो आप इसमें आप क्या लिखेंगे, आपका सब्जेक्ट है लीव फॉर सिस्टर्स मैरिज, बहन की शादी के लिए लीव, ठीक है। अब यहाँ पर है I am a student of class six. My sister is getting married. I am a student of class six. My sister is getting married on, आप डेट लिखें यहाँ पे, कौन सी डेट को आपकी बहन की शादी है। जैसे कि आप लिख सकते हैं My sister is getting married on 5th September. I really wish to enjoy this joyous occasion. ठीक है, आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि मुझे शादी में जाना है तो मैं 3 दिन तक ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाऊँगा। फ्रॉम, आप डेट लिख सकते हैं जैसे कि 2 September to 5 September. Kindly grant me leave for these 3 days. मुझे कृपया इन 3 दिन की छुट्टी प्रदान करें। थैंक यू, योर्स ऑबीडियंटली, आपका नाम और आपकी कक्षा का नाम, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेटर, फॉर्मल लेटर लिखने का तरीका सीखा। आज की वीडियो में हमने क्या चीज़ सीखी है, आज की वीडियो में हमने सीखा पहले साइंस में ह्यूमिनेंट्स के बारे में कि जो गाय और भैंस होती है वो अपना खाना कैसे पचाती है, उनको क्या कहते हैं, और हम मनुष्य सेलुलोज डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हमने फॉर्मल लेटर लिखना सीखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।